अगर आपको पूरा पन्नगर दिखाने आऊँ ना तो मुझे लगता है ये है यहाँ की मार्केट। बस इतना है डिफरेंस, ये है कि यहाँ पे ये रही कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की दूसरी बिल्डिंग, ऑफिस ये है पीछे ये वाला जो दिख रहा है लाइब्रेरी, ये जिस तरह ऑफिस ये कार्ड निकाल में देखो भैया यूनिवर्सिटी कार्ड, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और हम तो आ सकते हैं भाई, हमारा हक बनता है आने का। वो कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं आ सकते, यहाँ के गाड़ी वीसी समझते हैं खुद को। हेलो गाइस, क्या है सबका, आदि सुजल सिंह है, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने यूनिवर्सिटी का टूर। एंड अभी जिस जगह मैं पढ़ रहा हूँ, जगह का नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी एंड एग्रीकल्चर की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी एंड ये एशिया में सबसे ज़्यादा इसका एरिया। आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाना है तो आप गूगल कर सकते हो, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं देने वाला इस वीडियो में। तो चलते हैं फिर वीडियो में, तो करो इन्जॉय। ये रहा यूनिवर्सिटी का मेन गेट एंड जो कि रुद्रपुर गेट से जाना जाता है, एंड इसके जस्ट सामने ही एयरपोर्ट है। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप यहाँ पे फ्लाइट्स ले सकते हो, यहाँ पे दिल्ली से फ्लाइट आती है एंड यहाँ से देहरादून भी जाती है। सो ये रहा हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस का गेट, ये एंट्रेंस रुद्रपुर गेट से एंटर करते ही हमें दिखता है यहाँ पे नाइप नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे आप तरह तरह की इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे है। तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ नाइप। सो ये मैं यहाँ पे फुटेज दोबारा शूट कर रहा हूँ बिकॉज पिछले कल मैं जो मैंने फुटेज शूट करी थी उस पर मैं वीडियो प्ले करना भूल गया था, और मैं ऐसे बोल रहा था, और घर जाके मैंने जब सॉरी हॉस्टल आके जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि यार तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं। सो नाइप से जस्ट आते ही साइड में हमारे लेफ्ट साइड है बड़ी मार्केट एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सामने बड़ी मार्केट के, एंड यहाँ पे है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। जो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस को मैंने आपको दिखा दिया था, ये रहा रास्ता, ये चौराहा है, इससे इस साइड बड़ी मार्केट एंड हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, ये बड़ी मार्केट और ये इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। सो ये है बड़ी मार्केट के एरिया एंड ये है हॉस्पिटल, जो यहाँ पे हॉस्पिटल है पन्नगर हॉस्पिटल, एंड यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे हार्ड लगती है मार्केट। अभी आ चुका हूँ बड़ी मार्केट, एंड बड़ी मार्केट में एक ATM है एंड एक बैंक है यूनियन बैंक। ये है यहाँ की मार्केट। बस इतना है डिफरेंस, ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा सामान थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू बाहर से रुद्रपुर से हल्द्वानी से, सामान आपको थोड़ा महंगा मिल जाएगा लेकिन ये है कि सब चीज़ मिल जाएगी। तो मैं अभी खड़ा हूँ इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के पास, ये है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 15 मैरो आपको कहीं भी बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10-20 किलोमीटर भी दूर हो तो अगर आप हल्द्वानी में भी रुक रहे हो, हल्द्वानी भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो आप ट्राई करो कि आप 15 पहुँच जाओ एंड यहाँ पे रूम ले लो, बिकॉज यहाँ के रूम काफ़ी सस्ते हैं एंड गंदे भी नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छे है, अच्छी क्वालिटी है। आपको 200 के अंदर रूम मिल जाएगा एंड गोज़ अप टू 1500 तक जाता है, और काफ़ी अच्छा 200 का रूम होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, बेड पड़ा होता है एंड वॉशरूम सब कुछ अटैच होता है उसमें, एंड यहाँ पे खाना भी मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे खाना नहीं खाना आप, तो आप बाहर बड़ी मार्केट में खाना नहीं मिलता, एंड खाना मिलता है सिर्फ छोटी मार्केट में, आपको दिखा दूंगा मैं। बड़ी मार्केट में आपको बस बर्गर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर खाना खाना है वो सिर्फ छोटी मार्केट में मिलेगा। तो ये रहा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, अगर आपको वहाँ पर रूम लेना है तो इनका आपको गूगल पे सर्च कर लेना इंटरनेशनल गेस्ट हाउस करके, वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। रुद्रपुर गेट से फर्स्ट आते हुए हमें सबसे पहले दिखता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद अगला दूसरे कॉलेज, एंड हम अगर नगला वाले गेट से आए तो तब सबसे पहले हमें फिशरीज कॉलेज आता है। तो ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये दिखा देता हूँ आपको। अभी मेरे सामने है कॉलेज ऑफ होम साइंस, जो कि हमारा दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ होम साइंस, जिसको हम कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के नाम से भी जानते हैं। एंड ये रहा ये कॉलेज, मैं दिखा दूँ आपको ये। तो फिर मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। तो मैं अभी आ गया हूँ थर्ड कॉलेज, जिसका नाम है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, जो वेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये रहा कॉलेज, मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला। तो फिर मैं चलता हूँ उसके बाद बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का कॉलेज है, उसके बाद वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे दिखा दूँ आपको। सो ये है हमारा फोर्थ कॉलेज, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। आ चुके हैं अपनी फोर्थ लोकेशन पे, जो है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। ये मेरे पीछे रहा कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, में दिखाया आपको। ये रहा कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो मैं अब चलता हूँ फिफ्थ कॉलेज पे, जो है कॉलेज ऑफ टेक, वहाँ पे चलता हूँ। तो मेरे पीछे है COT कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रहा कुछ यहाँ का सीन।
और अभी बच्चों की क्लासेस चल रही हैं एंड मेरी फ्री क्लास थी तो मैं आ गया। ये रही कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की दूसरी बिल्डिंग एंड मैं चलता हूँ आप कॉलेज ऑफ फिशरीज को दिखाता हूँ आपको। सो मैं पहुँच गया हूँ कॉलेज ऑफ फिशरीज, मेरे सामने ये कॉलेज ऑफ फिशरीज एंड दिखाता हूँ मैं आपको कॉलेज ऑफ फिशरीज। ये रहा, अभी मैं आ गया हूँ गांधी पार्क में। ये है गांधी पार्क, यहाँ पे सामने गांधी जी की स्टैचू लगी है एंड पूरा यहाँ पे शाम के टाइम सब भरा भरा रहता है, कब से लोग आते हैं अभी धूप इसलिए नहीं आए। एंड दिखाता हूँ मैं आपको गांधी पार्क, ये रहे स्टैचू एंड यहाँ पे शाम के टाइम सब भरा भरा रहता है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अगर मैं अगर आपको पूरा पन्ना का दिखाने आऊँ ना तो मुझे लगता है कि अगर 2-3 घंटे में भी मेरी वीडियो कवर होगी, सो इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ दिखाऊंगा, कॉलेज दिखाऊंगा, मार्केट दिखाऊंगा, ज़्यादा मैं डीप नहीं घुसूंगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको जो मैंने फर्स्ट पहले बिल्डिंग दिखाई थी नाइप की, वहाँ पे काफ़ी सारी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारे वहाँ पे आपको इंटर्नशिप कर सकते हो एंड ये सब GPUT की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होता है, अगर आपको कुछ अगर जानना है तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो गांधी पार्क के बाद यहाँ पे है गांधी हॉल, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं। ये एरिया जो है गांधी हॉल, इसके अंदर जाना हमें अलाउड नहीं है एंड मैं इसके अंदर अभी जाके नहीं दिखाऊंगा, तो आपको बाहर से दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी इजी नाइट वाली वीडियो देखी है तो मैंने वो गांधी हॉल के अंदर की थी एंड ये रहा गांधी हॉल, दिखाता हूँ आपको। ये रहा गांधी हॉल का मेन एंट्रेंस, अगर आपने गांधी हॉल को अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरी इजी नाइट वाली वीडियो देख लो, सबसे मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरे सामने है कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड ये है उस कॉलेज, ये है उनकी बिल्डिंग एंड दिखाता हूँ मैं आपको। एंड इसी के दूसरी साइड रजिस्ट्रार ऑफिस एंड इसी के रजिस्ट्रार के ऑफिस के साथ ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ और रजिस्ट्रार ऑफिस भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा रहा, फिर कभी जाऊँगा लाइब्रेरी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एंट्री वगैरह करनी पड़ती, मेरा मन नहीं है अभी अंदर जाने का एंड अंदर से दिखाने का, फिर जाऊँगा कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर कभी होगा तो मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। और यहीं पे ऑफिस है, यहाँ पे VC सर बैठते हैं हमारे, ये रहा VC सर का ऑफिस एंड ये रही लाइब्रेरी एंड हाँ जो गांधी पार्क है शायद से उसे शायद नहीं, हाँ उसे घंटा घर से भी जाना जाता है, यहाँ पे जो लोकल लाइट हैं वो गांधी पार्क कम बोलते हैं, घंटा घर ज़्यादा बोलते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो लाइब्रेरी ये और रजिस्ट्रार ऑफिस ये है पीछे, ये वाला जो दिख रहा है लाइब्रेरी ये, रजिस्ट्रार ऑफिस ये एंड थोड़ा बाहर से घूम के जाना पड़ता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह शायद से वहीं होती है, हमारे टाइम तो वहीं होती थी, अभी करंटली मुझे पता नहीं कहाँ होती है। लाइब्रेरी से जस्ट सामने आते ही यहाँ पे हमें एक PNB बैंक मिलता है एंड उस साइड स्टेट बैंक है, उस स्टेट बैंक के साथ में ही है सामने CCF, तो मैं आपको CCF बाहर से दिखाता हूँ। ये है CCF, तो CCF का क्या सीन है, आपको कंप्यूटर्स मिलते हैं, आपको कंप्यूटर्स पे मतलब आपको पढ़ने का मन हो तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो एंड अगर आपको हॉस्टल में वाईफाई चलाना है तो आपको CCF में आके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी उन्हीं की वेबसाइट पे, तो उसके बाद ही आपको पासवर्ड और वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद चला पाओगे। ये रहा CCF, यहाँ पे अंदर आप जा सकते हो, कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, आराम से पढ़ सकते हो एंड अगर यहाँ पे सीन क्या है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग चैम्बर हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो, एकदम सेंट्रलाइज्ड AC है लगा हुआ है अंदर, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है एंड ये रही CCF की पार्किंग, मैं चलता हूँ फिर मैं। सो अभी मैं और प्रांशु आ कर दे, मैं और प्रांशु आ रखे हैं स्टेडियम, थोड़ा दिखाने स्टेडियम का एंड ये रहा हमारा स्टेडियम, कुछ अंदर चलता हूँ, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको, तो चले चलें प्रांशु अंदर चलते हैं, चलो फिर चलते हैं हम आगे। सो अभी हम आ चुके हैं स्टेडियम एंड यहाँ पे पीछे अभी गार्ड ने रोक लिया था, कह रहा था कि भाई अगर तुम्हें आना है तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक आओ, अभी नहीं आएंगे, अभी हमें पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं वो। यहाँ पे यही सारा सीन चलता है इन गार्ड का, क्या समझाएं अब किसी को, अब स्टेडियम है भाई, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कभी भी आ सकते हैं, कह रहे नहीं दिन में नहीं आना, बंद है, छुट्टी है, छुट्टी है, स्टेडियम का क्या सीन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है पन्नगर का यही सीन है, गार्ड का चलता रहता है ऐसा। तो ये रहा स्टेडियम का एंट्रेंस, अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, अब 6 तक छुट्टियाँ ही हैं, उससे पहले तो सुबह आ पाऊँगा 6 बजे सुबह, तो कहाँ उठता हूँ यार, इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहा मैं, तो 6 तक छुट्टियाँ हैं, तो उसके बारे में ब्लॉग अपलोड करना है, आज मंडे आज तक अपलोड कर दूँ, तो मैं थोड़ा आगे जाके दिखा देता हूँ आपको, अब देखता हूँ आवाज़ ना हमारे पीछे से।
मैं फटक से भाग के साइड आ गया हूँ, उससे फटाफट दिखाया था ऊपर चढ़ के, वो गाली गुली दे देंगे, कोई फायदा नहीं है। ये रहा यहाँ पे स्टेडियम, एंड उस साइड दूसरी साइड टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन का कोर्ट है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ फिर से जाने नहीं देंगे, मेन दिक्कत तो यही है। और बाहर है यहाँ पे और बास्केटबॉल का उस साइड है, दिखा देता हूँ, वो रहा बास्केटबॉल एंड बाहर यहाँ पे ये रहे बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलता हूँ मैं फटाफट। सो अभी थोड़ा गार्ड वाली थोड़ी सीन हो गया, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल, मतलब हमें शूट करने नहीं दे रहे थे, कह रहे कि तुम क्यों आए यहाँ पे। मैंने अपना यूनिवर्सिटी कार्ड भी बताया, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी कार्ड हर वक्त कैरी करता हूँ क्योंकि कभी भी काम आया था। मैंने दिखाया, फोटो भी थी मेरे फोन पे, मैंने फोटो दिखाई भैया देखो यूनिवर्सिटी कार्ड, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं 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 चलेगा। फिर मैंने अपने पर्स से यूनिवर्सिटी कार्ड निकाला, मैंने कहा देखो भैया यूनिवर्सिटी कार्ड, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और हम तो आ सकते हैं भाई, हमारा हक बनता है आने का। वो कह रहे थे कि नहीं तुम नहीं आ सकते, सुबह 6 से 8 बजे टाइमिंग है स्टेडियम की। यार ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, 6 से 8 टाइमिंग है, परंश तूने सुना गया कभी स्टेडियम की? स्टेडियम तो भाई हर वक्त खुला रहता है यार, यहाँ बात कुछ अलग ही सीन चल रहा है इनका। अब जो भी है क्या ही कर सकते हैं, पन्नगर है, पन्नगर में तो भाई यहाँ के गाड़ी VC समझते हैं खुद को, क्या कर रहे हैं, प्रांच में वो लुक्स दे रहे हैं। तो चलो छोड़ो इस बात को। सो मैं आ चुका हूँ अभी छोटी मार्केट एंड छोटी मार्केट में आपको दिखाता हूँ। सो सीन क्या रह रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा दिन में क्योंकि यहाँ पे लाइफ काफ़ी हेक्टिक है, बिकॉज सुबह 9 से मेरी 4 बजे तक क्लासेज है वैसे, और बच्चों की 8 से 5 तक होती है, एंड अभी 8 से 6 भी होती है कभी कभी यहाँ पे, जो भी मतलब लोग पन्नगर आ रहे हैं अभी, पन्नगर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो ये ना सोचे यहाँ पे मज़े हैं, यहाँ पे कोई भी मज़े नहीं है। एंड आपको दिखाता हूँ छोटी मार्केट, छोटी मार्केट आ चुका हूँ, चलता हूँ। मेरे साथ ओमो भी आया, ओमो से हाय। हेलो, ये रही छोटी मार्केट, एंड वो जो सामने जगह है वो फूड कोर्ट है, मैं वहाँ पे भी ले चलता हूँ, हर जगह ले चलता हूँ क्योंकि ये छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़ी मार्केट मैंने डिटेल में दिखाई क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, एंड यहाँ पे सैलून्स भी मिल जाएंगे आपको और लॉन्ड्री का भी मिल जाएगा। लॉन्ड्री का सिस्टम हॉस्टल में भी आता है, अगर हॉस्टल में नहीं आ रहा तो छोटी मार्केट आओ लॉन्ड्री दो। एंड एक मार्ट है नक्श मार्ट, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे पूरे यहाँ पे फूड कोर्ट, यहाँ पे आपको खाने का मिल जाएगा सब सिस्टम। एक ये है, एक सामने है। सो मैं चलता हूँ नक्श मार्ट के अंदर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, सारा सामान आपको मतलब मैक्सिमम सामान यहाँ पे मिल जाएगा। एंड चलता हूँ नक्श मार्ट के अंदर, ये रहा इतना ही रखता हूँ इस टूर को, इतना ही रहा। एंड गाइज आप में से 83% लोग ऐसे जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देख रहे, सो गाइज प्लीज़ एक लाल कलर का बटन नहीं दबाना है, सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की इस वीडियो को इतना ही, लव यू सेल्फ।